आइडेंटी मैट्रिक्स समझ ली। आइडेंटी मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे और यूनिट एलिमेंट होंगे, मतलब वन वन ही होगा केवल। तो पहले डायगोनल एलिमेंट की हमने बात की था, डायगोनल एलिमेंट में क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, केवल और केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, आइडेंटी में सिर्फ वन वन आएगा डायगोनल के एलिमेंट, भी हो सकता है कोई पॉजिटिव नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है। होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो स्केलर मैट्रिक्स की जब आप बात करते हो ना, स्केलर मैट्रिक्स सर, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे सब सेम होंगे। ओके, जो 3 है तो 3 ही आएगा, 2 है तो सिर्फ 2 ही आएगा, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर हर जगह वन वन आ गया है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तुम्हारा, अभी मैं बताओ कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स तुम्हारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होगा क्योंकि हर नहीं हो सकता स्केलर मैट्रिक्स में, तो डायगोनल में वन के अलावा भी और सारे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जो भी होगा सेम ही होंगे। अगर 2 है तो हर जगह 2 ही आएगा, 1 है तो हर जगह 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी, तो ये ट्रू होता या फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेम होने चाहिए, चाहे वन ही आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब के सब डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं। क्लियर है हमारी बात, तो आपने पढ़ लिया है पर मैट्रिक्स क्या होता है, रेगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो अब इसमें ना बाकी सब तो ये हैं टाइप्स, जो हमने जानने थे उतने जान लिए। अब ये सीखना है कि मैट्रिक्स में देखो ऑपरेशंस कैसे होंगे, मतलब कैसे हम मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, दो मैट्रिक्स हैं तो कैसे उनको ऐड करेंगे, कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे वो आ जाता है, लेकिन यहाँ अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ऑपरेशन की, अथवा मैट्रिक्स में किस तरह के ऑपरेशन होंगे, कैसे क्या है वो तो समझ। ठीक है डन, चलिए देखा जाए। अब देखो मैट्रिक्स का ना पहले रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले ये समझना कि मेन एलिमेंट इसके कैसे लिखे जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स का जो सिंबल होगा जिससे मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो कैपिटल लेटर होगा यूजुअली। ठीक है, जो भी होगा हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे उसमें। ओके डन, अब जो कैपिटल लेटर हम यूज करेंगे इसमें ये समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए ए से हमने इसको रिप्रेजेंट करना चाहा, ए से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इसके एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए ए जो मैट्रिक्स है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, या मान लो पहले हमारी ए मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। सपोज करो अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब क्या है, हमने मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था, ये डेटा का हॉरिजेंटल और वर्टिकल अरेंजमेंट ही है। जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, जो जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलेंगे, और जो हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, तो ये जो नंबर होता है ना, ये ऑर्डर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये उसका क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर होता है। ऑर्डर में हमेशा क्या लिखा जाता है, आर इंटू सी लिखा जाता है, मतलब पहला जो नंबर लिखा रहेगा वो हमेशा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकेंड नंबर लिखा रहेगा वो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2x2 की मैट्रिक्स है जिसका मतलब दो रो हैं दो कॉलम हैं। अगर दो रो दो कॉलम हैं तब इसमें देखिए क्या क्या होगा दोस्त, ये समझना पड़ेगा। दो रो हैं दो कॉलम, तो एक तो ये हो गया एक ये हो गया, दो रो हो गए और दो ही क्या हो गए, हमारे कॉलम हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको ध्यान समझना, जो इस तरह से है ये हमारे कॉलम है, ये पहला कॉलम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। हॉरिजॉन्टल की हम बात करेंगे तो हमारे रो होंगे, ये पहला रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रो होगा। जो वर्टिकल है इस तरह का अरेंजमेंट हमारा कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो हमारा क्या है, रो है। 2x2 की मैट्रिक्स है तो दो रो है और इसमें क्या है, दो कॉलम है। अब दो रो दो कॉलम की अगर बात हो गई, तो अब इसके जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट को देखो, जो पहला एलिमेंट होगा ना उसको कैसे लिखा जाएगा, देखो A11, A11 मींस व्हाट, जो एलिमेंट लिखा है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, बेसिकली ये जो भी एलिमेंट यहां लिखा जाएगा ना, ये
ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ए आई जे के फॉर्म में लिखा है, या इसको ये समझो ए आर सी के फॉर्म, आर जे के फॉर्म में समझो। ए आई जे या ए आर जे का मतलब क्या है, ए आर जे या ए आई जी जो भी समझो, इसका मतलब ये आई एथ रो और जे एथ कॉलम का एलिमेंट है। ये किसका है एलिमेंट हमारा, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ आई एथ, आई एथ रो एंड वॉट जे एथ कॉलम, आई एथ रो और जे एथ कॉलम का एलिमेंट है। आर का मतलब क्या है, रो है, आर एथ रो और जे एथ कॉलम का एलिमेंट है। तो पहला नंबर जो इसमें होगा मतलब लेफ्ट से, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ए वन वन लिखा है मतलब पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड जो एलिमेंट होगा यहाँ जो लिखा जाएगा हमारा, जो हमारा सेकंड एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा वो होगा ए वन टू, इसका मतलब क्या है, सेकंड कॉलम। रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम हमारा क्या है, सेकंड हो गया। अब यहाँ पर जो थर्ड, यहाँ पर जो लिखा जाएगा थर्ड एलिमेंट हमारा क्या होगा, ए टू वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का होगा। यहाँ जो एलिमेंट लिखा जाएगा इसको क्या लिखेंगे, ए टू टू, मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, कोई परेशानी। अब इसी तरह से अगर मुझे समझना हो कि अगर एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, मान लो मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ जो थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, अब इसके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, इसमें तीन रो होंगे, तीन कॉलम होंगे, हाँ क्या क्या लिखा जाए बताएं, ए वन वन, ए वन टू और ए वन, और क्या होगा, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, वेरी गुड, फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री, इस तरह से एलिमेंट लिखे जाएंगे, हमारा मैट्रिक्स बन गई थ्री क्रॉस थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स। मोस्ट प्रोबेबली जब हम भी किसी भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे, एडजॉइंट की जब भी बात करेंगे, तो हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। लेकिन एलिमेंट इस तरह से लिखे जाएंगे, हर एक एलिमेंट किस तरह के रो, किस तरह के कॉलम को करेस्पॉन्ड करेगा, वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात हमारी क्लियर हुई वाली बात नहीं है ना, अब ये समझना, ये तो हो गया यहाँ तक, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है डन, कि हम पीएनजी दे देंगे आपको भी, सब लास्ट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखो अब ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको अरेंज करें हमें बताएं। चलिए जैसे मान लीजिए ए आई जे हमने लिखा, ए आई जे इक्वल टू क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है जो टू क्रॉस टू का है, किसका है भैया, टू क्रॉस टू का है, और ए आई जे इक्वल टू, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ तुम्हें, और ए आई जे इक्वल टू है हमारा मान लेते हैं टू आई माइनस का जे, तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, ये फॉर्म करना है, मैट्रिक्स ए क्या होगा, कैसे बनाओगे आप, बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाएं, हमें बताएं फटाफट, बताएं क्या आएगा, जल्दी से करो। हाँ टू आई माइनस जे है, जे है ए आई जे के फॉर्म में लिखे हैं, इसके एलिमेंट्स इस तरह हैं, या ए आई जे ये लिखा है, मैट्रिक्स ए है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर दें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है भाई। अब ये ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ, ए आई जे टाइप के एलिमेंट हैं, टू क्रॉस टू, मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए ही निकालना है अपने को, जल्दी से निकालें, चलिए भाई करो, करिए बताएं यहाँ क्या आएगा। अब टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स बनानी है, क्या करोगी पहले, इसकी पहले किसकी क्लोन मैट्रिक्स बनाओगी, एक मैट्रिक्स ए वन वन, ए वन टू, ये सब निकालोगी, उनकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आएंगी वो निकालना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मान लो तुम ए वन टू की वैल्यू निकाल रही हो, ए वन टू का मतलब क्या है,
ए वन टू का मतलब आई की प्लेस पे वन रखना है, जे की प्लेस पे क्या रखना है अपने को टू, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखेंगे ए वन टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सब किए होंगे ना प्रैक्टिस। फटाफट करिए। मेथड तो समझ गया ना कैसे करना है। अब मैट्रिक्स ए अगर टू क्रॉस टू की है तो मैट्रिक्स ए किस तरह का बनेगा जरा देखिए। मैट्रिक्स ई ए बनेगा आपका, एलिमेंट इसके कैसे लिखोगे आप, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है कि नहीं है, है? अब देखो ए आई जे जो इसके एलिमेंट लिखे हैं, ए आई जे इक्वल टू क्या है, टू आई माइनस का जे है, यही है। हाँ बिल्कुल, देखें टू आई माइनस जे, देखो मैं बता दूँ, देखें यहाँ जैसे ए वन वन आपको निकालना है तो हमें क्या है, ए वन वन आ गया, इसका मतलब क्या है, आई के प्लेस पे भी वन रखना है, जे के प्लेस पे भी वन रखना है, तो एक्सप्रेशन यही है हमारा, तो टू इंटू वन माइनस का वन, बस वैल्यू रख देनी, तो टू इंटू वन टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। अब ए वन टू अपने को निकालना है तो क्या करना है बताओ जरा, आई के प्लेस पे तो वन ही रखना है लेकिन जे के प्लेस पे टू, माइनस टू क्या आएगा जीरो आएगा। ए टू वन निकालना है अपने को, आई के प्लेस पे टू रखना है, जे के प्लेस पे वन, टू जो फोर माइनस वन कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। ए टू टू अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, हाँ हाँ कितना जाएगा टू। अब ये मैट्रिक्स बेसिकली हमारा क्या हो गया, यहाँ से देख लो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपना, ए वन वन की वैल्यू कितनी आ गई वन, ए वन टू की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, ये आ गई या क्या बनाना। अब कोई थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स दीजिएगा, एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा इसकी, ठीक है, एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है आपका, कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे टाइप के एलिमेंट हैं इसमें और ये थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है और ए आई जे इक्वल टू दिया है अपने को, ए आई जे इक्वल टू वन आई माइनस जे है, सिर्फ क्या है आई माइनस, या आई माइनस जे बाई टू कर लो, आई माइनस जे बाई टू है होल अपॉन टू, तो मैट्रिक्स ए अपने को निकालनी है, मैट्रिक्स ए निकालना है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप क्वेश्चन नोट कर लो, नहीं तो हम पीडीएफ अभी सेंड कर देंगे आपके पास रहेगा ही, आप इसको करके आइएगा बताइएगा हमें। ओके डन, समझ में आ गया मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, क्लियर है, आगे बढ़े अपने क्या, अभी सब सेंड कर देंगे परेशान ना होइए। अब ये समझ गए हम लोग मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है कैसे, रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें अपने को, एक जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है, सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो ही होंगे, मतलब टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो मतलब उसी ने नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जानते रहो इसको भी, जीरो या फिर क्या होता है इसी को नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स पल इसका क्या होगा आप समझ में आ रहा है, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको कैपिटल ओ ही है, अगर टू क्रॉस टी की मैट्रिक्स होगी तो क्या होगी क्या जाएगा ये क्रॉस टू का होगा, और यहाँ क्या लिखा रहेगा ओ टू लिखा रहेगा, अब ऑक्सीजन गैस नहीं है, फिर जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है ना थ्री ओ थ्री लिखा है, इसका मतलब क्या है थ्री थ्री क्रॉस थ्री की जीरो मैट्रिक्स है, क्रॉस थ्री की क्या है ये जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सेपरेट किया, जो भी किया, पूरा हर एक एलिमेंट ही क्या हो गया, हर एक एलिमेंट, हर एक एंट्री हमारी क्या हो गई जीरो हो गई, तो मैट्रिक्स इस तरह से लिखी, तो मैट्रिक्स या क्या होगी ये नल हो जाएगी, क्या बात, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये समझेंगे, बाकी सब तो ठीक है, अभी ट्रांसपोज क्या है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सब बताएंगे, सब देखेंगे, लेकिन अभी समझेंगे अगर हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स में किसकी बात करेंगे, हम ऑपरेशंस की बात करेंगे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की अगर हम बात करने जाए तो क्या है वो चीज़, ठीक है। अब देखिए क्या है,
देखिए, अब होगा यहां से, पहले हम एडिशन की बात करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, और एडिशन के लिए क्या क्या आपने को ध्यान रखना है ये भी। जब आप एडिशन की ध्यान बात करोगे, एडिशन के लिए ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूँ, कम से कम कितनी मैट्रिक्स होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। एक ही मैट्रिक्स को दो बार हम ऐड कर, दो मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए, एक ही मैट्रिक्स को दो बार हम ऐड कर। एडिशन की बात करेंगे तो दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, अगर ए और बी को हम प्लस कर पा रहे हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मैं प्लस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो भी होगा, मान लो m क्रॉस n है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा, ऑर्डर इन दोनों के सेम हो गए, ऑर्डर क्या होंगे दोनों के, मस्ट बी, ऑर्डर अगर सेम नहीं होंगे तो ना ही इनको हम ऐड कर पाएंगे ना ही इनको हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ऑर्डर सेम रहने चाहिए। और क्या है, और इसमें ये है, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड होंगे। अब ये बात थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा समझ में ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया छोटा सा, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, -1 और ये 6, एक दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1, 6, 0, 1 ले लिया। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जल्दी से हमें बता दीजिए, क्रॉस 3, दो रो हैं, 3 क्या हो जाएगा ये 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, अब ये तो समझ में आ गया कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसमें मतलब ऐड कर पाएंगे, पहले तो यही देख लिया। अब ऑर्डर अगर सेम हो गया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमने वर्ड लिखा करस्पॉन्डिंग का मतलब, ये जो A11 वाला है इसके A11 से ही ऐड होगा, ये जो A12 वाला एलिमेंट है इसके A12 से ही ऐड होगा, ये जो आपका A13 वाला एलिमेंट है इसके A13 से ही क्या होगा, ऐड होगा। इसी तरह से इसका ये A21 वाला जो एलिमेंट है इसके A21 से, और ये इसका जो A22 वाला है इसके, इसका A23 वाला जो एलिमेंट है इसके A23 से ऐड है। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगी, नई मैट्रिक्स बन जाएगी, जल्दी से बता दो हमें, ऐड कर लेंगे 2 को 1 में ऐड करेंगे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, और 3 को 6 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 को 0 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 को 3 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -2, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा, 6 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अभी भी ऑर्डर इसका यही रहेगा, मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर जब ऐड करूंगा तो एक अलग मैट्रिक्स अगर हमें सी मिल रही है तो उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। भाई दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स तो मिलेगी ना, तो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी तो अभी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का, अपने सुन। अब सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज हो, सब्ट्रैक्शन में क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर हम सेकंड चीज बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी यही सेम चीज हो जाएगी है? अब क्या कर रहा है, दो मैट्रिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें इसमें दिखेंगी, जरा बताना जल्दी से। मैट्रिक्स ए को अगर मैट्रिक्स बी में हम माइनस कर रहे हैं तो मैट्रिक्स सी हमें मिल रही है, ऑर्डर सबके क्या होंगे, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, अगर m क्रॉस n है इसका भी क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा, इसका भी क्या आएगा, m क्रॉस n, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो रहेगी रहेगा है ना भाई, कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन। अगला आ जाओ, अब इसमें क्या है, ऑर्डर सेम होनी चाहिए ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे सब। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारा 2, 1, 6, 1, -1, -7 है,
माइनस के कर, ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं वन है, ज़ीरो है, माइनस टू है, सिक्स और माइनस फाइव है, और माइनस टू थ्री, और ये है टू, दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है दोनों के लिख लेंगे। ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस थ्री है, इसका भी ऑर्डर क्या है। अब बहुत हम क्लियर हैं, जो भी यहाँ मैट्रिक्स हमें मिलेगी रिजल्टेड मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, क्रॉस। अब देखिए क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो कौन सा है, देखो इसका ये वाला पहला एलिमेंट है A11, तो इसको इससे करेंगे, ये सेकेंड एलिमेंट तो इसका ये सेकेंड, इसका ये सेकेंड, तो ये इसी तरह से करेंगे जैसे अभी पीछे समझे हमने। तो इस केस में क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मतलब इन एलिमेंट्स के पहले हमें माइनस लगाकर इसके साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका टू है, अब ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन, यहाँ क्या आ जाएगा एलिमेंट हमारा, थ्री है, जीरो के साथ माइनस जाएगा, तो जीरो भाई थ्री में से जीरो माइनस करेंगे तो थ्री ही आएगा, तो हो गया थ्री। वन है, अब इसके साथ माइनस जाएगा, वहाँ माइनस टू पहले से ही है, तो माइनस टू पहले से ही है, तो माइनस उसके साथ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू और वन कितना हो जाएगा, ये सिक्स है, ये माइनस इसके साथ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, वन है यहाँ पर, ये माइनस इसके साथ जाएगा सिक्स के साथ, तो माइनस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ क्या है, माइनस सिक्स है, तो माइनस की क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए माइनस का वन है, यहाँ क्या है, माइनस के फाइव है, जब माइनस इस माइनस फाइव के साथ जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा, और माइनस वन है, क्या आ जाएगा यहाँ, और आ जाएगा। यहाँ देखिए टू है, यहाँ माइनस टू है, कि माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, और टू पहले से ही है, तो क्या आ जाएगा, ये फोर हो जाएगा। अब ये थ्री है, ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस थ्री, थ्री में से थ्री को माइनस करेंगे जीरो। माइनस सेवन है, ये माइनस इसके साथ जाएगा, माइनस टू, माइनस सेवन क्या आ जाएगा, माइनस नाइन, ये हमारा आंसर। बेसिकली माइनस हर एलिमेंट में जाएगा, ये समझना है दिक्कत, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, बात आती है मल्टीप्लिकेशन की बात, चलें इसको हटा दें, समझ में आ गई बात, ठीक समझ में आ रहा भैया, हाँ। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना, हमेशा हमें परेशान करती है, हम सबको जो परेशान करेगी वो हमेशा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से बात बिगड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले तो देखिए क्या क्या कंडीशन, कंपलसरी कंडीशंस क्या हैं, क्या क्या होनी चाहिए, कब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, सेम हो भी सकता है, मतलब हमेशा सेम ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स मिलेगी हमें, कब होगा ये, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p होगा, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ जब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होने चाहिए, इक्वल। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, देखिए वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर टू। वन का मतलब पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, आर टू का मतलब दूसरे मैट्रिक्स का जो क्या है नंबर ऑफ, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो की जब इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज अदरवाइज नो। हाँ अदर नहीं, अभी बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करने, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, इसको कहते हैं फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, अगर ये नहीं है तो। अब जैसे तुमने कहा कि जैसे ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तो हो ही जाएगा ना, देखिए कैसे हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेम होगा तो हो ही जाएगा ना,
दो मैट्रिक्स हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। दो मैट्रिक्स हैं जैसे, देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, और मतलब जो भी है मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स बी है, इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3 है, तो हो ही जाएगा ना। इसका देखिए नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं, है ही। अब जो नया मैट्रिक्स सी बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ नया मैट्रिक्स बनेगा ना, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर वो होगा इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, तो नई मैट्रिक्स यहाँ बनेगी उसकी ऑर्डर ये होगी। मतलब ये जो मैट्रिक्स बन रही है इसका ऑर्डर क्या होगा बेसिकली, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये क्या लिखा है, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मतलब R1 इंटू क्या होगा होगा, मतलब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, ये अगर सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज तुमने कहा जैसे ऑर्डर सेम होगा तो हो ही जाएगा ना, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हमेशा पॉसिबल है। अब जैसे कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स या एमएन स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, हमारा करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो हमेशा ही होगा, दो स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर यही सेम स्टेटमेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से लिखा होगा तो एमएन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा तो नहीं हो सकता लेकिन ये कंडीशंस होगी, ये हो सकता है, ठीक है ना। और कहता है कि इट मे बी पॉसिबल, तो जब होगा ट्रू हो जाएगा, होगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो होगा ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अपने को ये ध्यान है। अब कहेगा कोई रो मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स में पॉसिबल है, नॉट नो पॉसिबल नहीं है ना, नो, लेकिन रो मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स में पॉसिबल है कि नहीं है, हो जाएगा लेकिन कंडीशन वही, इसके नंबर पहले मैट्रिक्स का क्या है नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाएगा। तब सोचना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन तरह से आएंगे अगर थोड़ा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या क्या कंडीशन। तो हमने ये समझ लिया कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरे नंबर ऑफ रो के इक्वल है तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे ये समझेंगे, ये तो समझ गए कि कब पॉसिबल हो, करेंगे कैसे ये समझ, असली चैलेंज ये असल मुद्दा यहाँ पर है, ये जो प्रैक्टिस करना है ये अपने लिए और जल्दी जल्दी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देखिए कैसे क्या है, पहले समझते हैं। आज जैसे दो मैट्रिक्स हमने ले लिया, सपोज करिए देखिए एक बड़े में पहले आपको समझाते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ये ऐसे लिखा है A11 A12 और A13 भी है, ठीक है चलो, और ये है मान लेते हैं हमारा हाँ A21 A22 और A23 है, और मान लेते हैं क्या है आपका और क्रॉस थ्री ही, एक दूसरी मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स का जो है क्या है ऑर्डर ये लिखो, मान लेते हैं B11 है, 12 है, 1 है और B22 है, 1 है और विद कुछ भी लिख सकते, लिख दिया हम। अब इसको हमने देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा, इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, अब ये हो रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है कि पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दो रो है तीन कॉलम है, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए क्रॉस बी की, सॉरी क्या है ये 3x2 होगा, गुड गुड 3x2 है ना, अभी 3x2 की है मान लो रेक्टेंगुलर, ये भी दोनों अभी स्क्वायर रेक्टेंगुलर दोनों का भी ले लेंगे, दोनों रेक्टेंगुलर रखते हैं, 2x3 है 3x2 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है ए क्रॉस बी का,
एन ए पॉसिबल, लेकिन जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी ऑर्डर क्या होगी, टू क्रॉस होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रो ये बच रहा है, नंबर ऑफ कॉलम ये बच रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये समझेंगे, असली चैलेंज ये है अपने लिए। अभी एक दूसरा एग्जांपल भी लेंगे, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी देख सकते। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स ए को लिखना है, पहले फर्स्ट पोजीशन पे ए आ रहा है, क्या है हमारा ए वन वन, ए वन टू, और क्या आएगा ए वन थ्री, यहाँ क्या है ए टू वन, ए टू टू, और क्या है ए टू, यहाँ पर क्या है भाई वन वन, वन टू, वन टू टू, वन थ्री। अब करेंगे तो होगा क्या, देखो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी ऑर्डर टू क्रॉस टू होंगी, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है टू क्रॉस थ्री है, इसका ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस टू का, तो ये बचेगा और इसका ये बचेगा, क्या ऑर्डर आ जाएगा हमारा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लीकेशन का एक कॉमन रूल है, ये दिमाग में रख लो, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आर इंटू क्या है सी, रो को किससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, मतलब पहली मैट्रिक्स का हमेशा रो उठाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम, मतलब अगर मैं पहला रो यहाँ से उठाऊँ तो पहला रो ये है हमारा, फर्स्ट रो ये है, तो हम पहले किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले रो को तब तक अपने साथ रखेंगे जब तक इधर के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे। अब ये ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट कहाँ रखेंगे अपने, एलिमेंट अपने को रो में ही रखना है, कहाँ रखना है रो में रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो नई मैट्रिक्स के किस में रखेंगे, हम रो में रखेंगे। लेकिन कैसे होगा ये समझो, पहला रो उठाएंगे, इसका क्या दिखाएंगे, पहला कॉलम, मतलब पहली मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का क्या कॉलम, हमेशा इसी तरह चलेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पहले ए वन वन को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, ये पहला एलिमेंट है तो ये पहले से मल्टीप्लाई होगा, ए वन वन को बी वन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए वन वन, और ये क्या हो जाएगा बी वन वन, फिर जो भी एलिमेंट्स हैं जब तक पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब प्लस ही करना है सबको, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे प्लस, इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो इस कॉलम का भी दूसरा एलिमेंट लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रो के एलिमेंट को कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका दूसरा तो इसके दूसरे है ना, इसका तीसरा तो इसका भी तीसरा, ए वन टू को बी टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन टू को मल्टीप्लाई करेंगे बी टू वन से, अब इसके तीसरे एलिमेंट को पिकअप करेंगे इसके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, ए वन थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी थ्री वन, जब तक इसके सारे एलिमेंट इसके सारे कॉलम से नहीं मल्टीप्लाई हो जाएंगे सबको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे, ये हमारा पहला एलिमेंट। अब इस नई मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मिला, अब इसको रखेंगे, ये पहला एलिमेंट हो गया, जैसे ये पहला एलिमेंट पहली एंट्री लिखी है, ये भी हमारी पहली एंट्री हो गई। अब रो यही रखेंगे, लेकिन अब कौन सा लेंगे, कॉलम सेकंड लेंगे, कॉलम जब सेकंड लेंगे तो उठाओ फिर से पहले एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा जरा बताओ, पहले एलिमेंट को पहले में लेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा जरा ए वन 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 टू, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ए वन टू टू टू, प्लस ए वन थ्री, और क्या है थ्री है, अब दूसरा कॉलम हो गया ना, अब ये हमारा रो कंप्लीट हो। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो उठाएंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे अपन, ये सेकेंड रो उठाएंगे भैया, और फिर इसके करेंगे पहले कॉलम में फिर जैसे अभी मल्टीप्लाई, अब पहले एलिमेंट को उठाएंगे भाई पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को उठाएंगे पहले करिस्पॉन्डिंग से करेंगे, ए टू वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी वन वन से, तो ये हो जाएगा ए टू वन वन वन, फिर प्लस सेकेंड को सेकेंड से, ए टू टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी टू वन से, फिर प्लस ए टू थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है वन से, क्लियर। पहला कॉलम तो हो गया, सेकंड में आ जाओ, सेकंड कॉलम को उठाओ, रो यही रखेंगे अपने, रो को तब तक रखना है अपने साथ जब तक उधर के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई ना कर ले। अब ए टू वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी वन, तो ए टू वन, और क्या हो जाएगा बी वन टू,
प्लस ए टू टू को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ए टू थ्री को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, बी थ्री, ये हमारा एलिमेंट्स इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक रो और होता अब सारे एलिमेंट हो गए, अगला रो लेते फिर से उसी तरह से। आप समझाते हैं कि एग्जांपल से, ठीक है, अभी समझ गए प्रोसीजर है, इस तरह से अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स का अगर कुछ एलिमेंट लेते हैं तो देखो उसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। यहाँ पर हमने सिंबल्स लिए, लेटर्स लिए ना, है नंबर्स होते तो फटाफट सॉल्व हो जाते, लिख लेते हैं, जरा समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए लिया हमने, अब लिख दिया हमने 1 2 0 -1 2 3 और 0 6 और हमने लिख दिया 5, चलो लिख, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी ले रहे हैं हम, ऑर्डर क्या है क्रॉस, एक मैट्रिक्स बी ले रहे हैं हम, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट कुछ इस तरह से रखते हैं 3 2 -1 -2 3 2 लिख दिए और 0 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा जरा बताओ, 3 क्रॉस। अब देखो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए। अच्छा ए क्रॉस बी पॉसिबल है कि नहीं पहले ये चेक करो, ए क्रॉस बी क्या क्या पॉसिबल है। ए क्रॉस बी पॉसिबल है, ए क्रॉस बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूंगा तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, है क्या पॉसिबल, नहीं है, हो सकता भाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए क्रॉस बी निकालते हैं, देखो ए क्रॉस बी है कि नहीं, कैसे निकलेगा ये देखे भाई, ए क्रॉस बी है पहले हमने चेक कर लिया, ए क्रॉस बी के लिए पहले एलिमेंट लिखेंगे, ए में क्या एलिमेंट है 1 2 0 है, एलिमेंट क्या है -1 है, 2 है और क्या है 3 है, 0 है, 6 है और क्या है 5 है, इन टू इसके एलिमेंट क्या है 2 है, -1 है और क्या है 3 है, 2 है और क्या है 0 है और क्या है, यही है ना दोस्त। अब ये बहुत क्लियर है कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी ऑर्डर क्या होगी, जरा बताओ, इसका 3x3 है ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 3x2 है, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3x2 ही तो आएगा, बोलो जरा भाई, इसका ये सेम है, ये आएगा पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वही नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है अपना, वही है, नंबर ऑफ रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉलम से करेंगे भैया, 1 को 2 से करेस्पॉन्डिंग करेंगे, जानते ही हो 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा 2, प्लस ही करना है अपने को, 2 को 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 6, 0 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0, पहला कॉलम हो गया, रो तो अभी पहला ही रखेंगे जब तक सारे कॉलम ना हो जाएं, दूसरे कॉलम में आ जाओ, 1 को -1 से करेंगे क्या आएगा -1, 2 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4, 0 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब कोई कॉलम है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, हमने कहा ना मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम में और लिखेंगे कहाँ, रो में। अब दूसरे रो को उठाएंगे अपन, दूसरे रो को ले, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0। कॉलम को लेंगे, अब पहला कॉलम हो गया, -1 को -1 से करेंगे +1, 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा 4, 3 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा आ जाएगा भी? चलो अब तीसरे रो को उठाएं, सब कॉलम हो गए ना उधर, तीसरे रो को पिकअप करते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस के 5। सॉल्व कर लेंगे, दोबारा लिख लो जल्दी से, क्या आ जाएगा हमारा 3x2 है, ये क्या क्या आ रहा है 6x2 कितना हो जाएगा 8, कितना आया 3, यहाँ कितना आया 4 और 8 और 18 और ये हमारा क्या हो जाएगा। अब 3x3 का मैट्रिक्स है तो आ तो क्या होता भाई, यहाँ 3 रो तो आ गए, एक कॉलम भी और आता, स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती है स्क्वायर मैट्रिक्स से, 3x3 का 3x3 की ही मैट्रिक्स बनेगी ना, इसलिए
तरीका यही है, सब हो जाएगा, करके दिखाएं काठो हो जाएगा ना। आज्ञा कैसे करना है, टेंशन। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कर लेंगे, आप समझ गए, क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं लिख दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5, 6, -1, -5, और -k, और मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी के हैं जो एलिमेंट हमारे 6, 0, 1, 2, 3, 5, -1, -2, -3 है। ए है 3×3, ए भी है। अब देखो, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस बी पॉसिबल है, बी क्रॉस ए पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है, तो दोनों केस में इक्वल आएगा ना। मतलब जब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो हमेशा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों क्या होंगे। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के, तभी इक्वल होगा, तभी पॉसिबल है ये, तब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ये कब है, केवल और केवल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होगा ये। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कहते हैं ऑर्डर सेम होगा, तो वहां ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×2 है, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3×2 है, तो क्या होगा। अब ये तो देखो पॉसिबल ही नहीं है इधर। तो मान लो अगर इसको हम पॉसिबल बनाते भी हैं, मान लो ये क्या हो गया हमारा 3×2 हो गया, तो हमने लिख दिया 2×3, ऑर्डर तो सेम नहीं है ना। अब यहाँ ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन जो नई मैट्रिक्स बनेगी क्या उसका ऑर्डर सेम होगा क्या। ये देखो ये तो सेम हो गया, चलो प्रोडक्ट पॉसिबल है, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3×। ऑर्डर यहाँ सेम भी नहीं है। लेकिन अब जरा मुझे बताना, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या, अगर ये ए मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स बी था, तो ए क्रॉस बी तो पॉसिबल है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। लेकिन बी क्रॉस ए पॉसिबल है क्या, क्रॉस ए पॉसिबल है, क्रॉस ए पॉसिबल है कि नहीं ये बताओ। अगर बी क्रॉस ए करूंगा तो देखो क्या होगा, क्रॉस ए करूंगा तो पहला ये आएगा ना हमारा 2×3 आएगा, दूसरे में क्या आएगा 3×2, ये भी पॉसिबल है कि नहीं। ओनली फॉर स्क्वायर एंड वॉट, ओनली फॉर अब मत करो, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो जाएगा। एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब, ये नीचे की कंडीशन देखना, ये नीचे की कंडीशन देखना फुलफिल होनी चाहिए, कि ऑर्डर दोनों की क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी ये बात हो पाएगी, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। देखो जरा गलती हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर ऑर्डर सेम है क्या, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है ऑर्डर सेम है क्या, इसका 3×2 है, इसका 2×3 पॉसिबल तो है, ये प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाएगा ये, स्क्वायर मैट्रिक्स ये ठीक है, उसी में लिखा है, समझ में आया, हटा देते हैं नहीं कंफ्यूजन हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा क्यों होगा, देखो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2×2 की भी बन जाएगी ना, 2×2 की भी मैट्रिक्स बन जाएगी, 3×3 की बन जाएगी। अब मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया 2×2 का, एक हमने ले लिया 3×3 का, या प्रोडक्ट पॉसिबल है, पहले तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है, फिर ये कैसे होगा। ये तभी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्लियर हुई, डाउट कोई परेशानी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ना कन्फ्यूजन हो, डन, क्लियर हुई हमारी बात, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया और ये सीख लिया एडिशन, चलते चलते समझ लिया अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं देख लेते हैं। कल हम आपको सिखाएंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, और साफ सारी चीज़ें हम लोग, चलो ठीक है ही देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे मुझे। अब ये देखो इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की जब आप बात करते हो, इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है ये समझो।
तो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह पाएंगे? मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स अगर बी है तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम है। पहले तो ये समझ लें, इसका जो भी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर सेम इस मैट्रिक्स का भी होगा। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो पाएंगे जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? सेम। अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो गए, जो भी है एम क्रॉस एन या जो भी है ऑर्डर सेम, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ना इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर वॉट? इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे एलिमेंट? जैसे मान लेते हैं अब यहां पर है पहला एलिमेंट ए वन वन, यहाँ है ए वन, यहाँ है बी वन वन, यहाँ है बी वन टू। तो इसका पहला एलिमेंट, ये पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, ये करेस्पॉन्डिंग हो गया। इसका ये वाला एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, इस ऑर्डर में यहाँ जो एलिमेंट की जो पोजीशन होगी उसी ऑर्डर में वहाँ उस दूसरे एलिमेंट की पोजीशन होगी, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ऐसे समझिए कि एग्जांपल के थ्रू, अगर कोई मैट्रिक्स ये लिखी है, एग्जांपल लेते हैं हम, अगर कोई मैट्रिक्स लिखा है एक्स वाई, यहाँ जेड लिखा है, यहाँ डब्ल्यू लिखा है, यहाँ हमने लिख दिया है जीरो वन माइनस वन और टू लिख दिया है, हम पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, तो जरा बताना एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के वन हो जाएगी, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे हैं, टू क्रॉस टू की दोनों मैट्रिक्स थे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डन। अब ये सारी चीज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, अभी तो फैक्टर मैट्रिक्स क्या है, माइनर मैट्रिक्स क्या है, ये सब भी अभी बचे हैं, मैट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, और भी सारी चीज़ें बता दें, अभी इस क्लास में ले लें, करके आइए, फिर आगे इसमें बताते हैं क्या। ओके, कल फिर इसको हम बताएंगे आपको।